काफ़ी सारी ट्रीट्स अवेलेबल हैं। इनफैक्ट जो इनकी फेवरेट ट्रीट्स हैं उनके साथ भी आप ले लीजिए, चाहे क्यूब ले लीजिए, छोटा सा क्यूब लेके उसके अंदर आप स्टफ कर दें उसकी दवाई को, तो फ्रेंड्स विद न्यू वीडियो ऑफ मफिन। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 5 सिंपल वेज टू गिव योर डॉग मेडिसिन। सो हमें पता है कि डॉग बहुत ज़्यादा आनाकानी करते हैं मेडिसिन खाने में, वो बहुत ज़्यादा नखरे भी दिखाते हैं इनफैक्ट खाने में, और कभी कभार ये होता है कि कुछ डॉग्स आराम से पिल्स खा लेते हैं, बट कभी कभी डॉग्स जो होते हैं काफ़ी ज़िद्दी जो होते हैं, काफ़ी नखरे वाले होते हैं, वो 100 टाइम के बाद भी पिल नहीं खाते हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं ओनर्स को। सो ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है, पेट पेरेंट्स के लिए है जिनके डॉग्स ईजिली मेडिसिन नहीं खाते हैं, और ये वीडियो उनके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। तो फर्स्ट वन इज़ ट्रीट्स। ट्रीट्स हमें पता है कि डॉग्स को कितनी पसंद होती हैं और वो कितने चाव से उसे खाते हैं। सो मार्केट में भी काफ़ी सारी ट्रीट्स अवेलेबल हैं लाइक जिसमें आप पिल्स फिल कर सकते हैं और इजीली डॉग्स उसे स्वॉलो कर लेते हैं, खा लेते हैं और चाव से खा भी लेते हैं उसे। ऐसे काफ़ी सारी ट्रीट्स अवेलेबल हैं। इनफैक्ट जो इनकी फेवरेट ट्रीट्स हैं उनके साथ भी आप मेडिसिन दे सकते हैं और ये खा लेंगे। सेकेंड वन इज़ मील। हमें पता है कि डॉग्स के खाने में मोस्टली हम लोग पिल्स मिला के देते हैं, और ये इजी वे भी होता है क्योंकि वो खाना खाते खाते उस पिल को खा जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है। अगर हम नॉर्मली उन्हें फीड करवाने की कोशिश करें तो वो दवाई नहीं लेते हैं। सो दिस इज़ अ गुड वे और ईजीएस्ट वे कि आप अपने डॉग को पिल ऐसे खिला सकते हैं। थर्ड वन इज़ पीनट बटर। पीनट बटर हमें पता है कि डॉग्स का फेवरेट होता है। आप पीनट बटर को स्पून में लें और उसके अंदर पिल हाइड करके उन्हें खिलाएं तो आराम से वो लोग खा लेते हैं। और हमें ये भी पता होता है कि पीनट बटर इज़ गुड फॉर देयर हेल्थ, एंड कोशिश करें कि आप पीनट बटर वो यूज़ करें जो कि नेचुरल स्वीटनर हो, जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर ना हो, इससे उनकी हेल्थ को भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। और पीनट बटर के साथ खाने से पहले आप अपने वेट से ज़रूर कंसल्ट कर दें कि आप उन्हें पिल ऐसे दे सकते हैं या नहीं। फोर्थ वन इज़ बनाना। बनाना भी इनफैक्ट एक अच्छी ट्रीट है, समर्स में उसकी काफ़ी अच्छी ट्रीट बन जाती हैं, डॉग्स इजीली उसे खाते भी हैं और चाव से भी खाते हैं। बनाना इनकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, हाई लेवल ऑफ पोटेशियम होता है उसमें। सो आप पिल उसे दे सकते हैं, बट यस इसको भी कंसल्ट करें अपने डॉग से। अगर कोई भी एंटीबायोटिक आप उसे मेडिसिन दे रहे हैं तो बनाना के साथ कोशिश करें ना दें, क्योंकि वो हाईली पोटेशियम फिल्ड होता है, और देने से पहले एक बार उसके डॉक्टर से ज़रूर चेक करें। फिफ्थ वन इज़ चीज़। चीज़ हमें पता है कि डॉग्स को बहुत पसंद होता है और उनको बहुत शौक होता है खाने में। सो आप चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं पिल्स देने के लिए। आप चीज़ चाहे स्लाइसेस ले लीजिए, चाहे क्यूब ले लीजिए, छोटा सा क्यूब लेके उसके अंदर आप स्टफ़ कर दें उसकी दवाई को, तो वो ईज़िली खा लेंगे। तो ये थे 5 तरीके जिससे आपका डॉग ईज़िली मेडिसिन खा सकता है और कोई भी आनाकानी नहीं करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर पार्ट जो इस वीडियो में ये है कि कभी भी आप अपने डॉग की जो पिल्स होती हैं, मेडिसिन होती हैं, उनको कभी स्मैश ना करें। इसकी रीज़न ये है कि आप जब भी उसे क्रश करते हैं, ग्राइंड करते हैं, तो वो पाउडर फॉर्म में हो जाता है, और इससे जो पिल की बाहर की जो कोटिंग होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और जो भी उसका इफ़ेक्ट होना होता है डॉग्स की बॉडी में वो नहीं हो पाता है। तो अगर आप ये गलती कर रहे हैं अभी तक तो प्लीज़ ना करें, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और पिल्स को अगर आप क्रश कर रहे हैं तो स्टॉप डूइंग दिस, ये उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके जो भी कंटेंटमेंट या उसमें जो भी सॉल्ट पाए जाते हैं जो उनकी तबीयत को अच्छा करते हैं, या जो भी इफ़ेक्ट उनको करना होता है वो चीज़ नहीं कर सकते हैं। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियो, शेयर आवर वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। और मफिन के मुझे टॉयज दिख रहे हैं आज। पापू मैं ले लूँ टॉय? अच्छा ये टॉय मुझे दे दो, ये मेरा टॉय है, जल्दी दे दो टॉय। पापू टॉय दे दे, मैं ले लूँ इसे। टेडी, ये मेरा टेडी है, कैच। अच्छा कैच करो, जल्दी करो कैच कैच। न्यू है,
नहीं करना कैच, ये क्या पकड़ो पकड़ो इसे पकड़ो, शैतान को पकड़ो, दे दो जल्दी दो। ओके फ्रेंड नाउ वी आर सेइंग बाय, और मफिन बिजी है आज अपने टॉयज के साथ खेलने में, सो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अब हम कहते हैं बाय, मफू बाय बाय बाय।